नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के अंदर स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। काफ़ी सारे लोग देखते रहते हैं मार्केट के अंदर कि कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना है। आपको सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है, मैं आपको जो मेथड अभी बताने वाला हूँ ना, वो मेथड से अगर आप लोग स्टॉक का सिलेक्शन करते हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ स्टॉक मिल जाता है। 2-5 स्टॉक तो आपको इजीली मिल जाते हैं, 2 स्टॉक या 5 स्टॉक 6 स्टॉक आपको इजीली मिल जाता है। आपको क्या करना है, सिंपल है। आपको मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर भी आपको एंट्री मिल सकती है और डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको देखना है, ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर, मतलब निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है उसके अंदर आपको ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, क्योंकि ये निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टॉक में नहीं करती, ये हर स्टॉक के अंदर वर्क करती है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो इसी स्टॉक के अंदर हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक ओपन करके रखे हैं। अब हमें इसके अंदर देखना है स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है 9:15 के बाद देखना है कि कौन से स्टॉक ओपन हाई में है और कौन से स्टॉक ओपन लो में है। जो स्टॉक ओपन हाई और ओपन लो होगा, ये मैं यहाँ पर शेरखान का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये एक ऐसा फॉर्मूला इन लोगों ने दिया हुआ है कि जहाँ से हम लोग ओपन हाई और ओपन लो को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने ओपन हाई सिलेक्ट किया, ये निफ्टी सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने रन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो सिप्ला आ गया। अब तो हम लोग क्या करेंगे, सिप्ला पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ये हम लोगों ने चार्ट ओपन कर लिया, ये देखो। अभी इसके अंदर देखो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि सिर्फ हमें ओपन हाई और ओपन लो देखना है। ओपन हाई और ओपन लो देखने के बाद क्या करना है, हमें 5 मिनट तक वेट करना है। जब पहला 5 मिनट का कैंडल बन जाता है तो हमें उस कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अगर स्टॉक ओपन हाई है तो उसके लो को मार्क कर लेना है, उसके लो को मार्क कर दिया। जब भी ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग अपनी एक एंट्री करेंगे सेल डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर देखो, ये 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल है ओपन हाई वाला, तो इसको जैसे ही ब्रेक किया तो हम लोग एक सेल की एंट्री करेंगे। और क्या करेंगे, या तो हम अपना टारगेट, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जितना लेंथ है उतना हमारा टारगेट रखेंगे, या हमारी पोजीशन को हम 3:15 तक होल्ड करेंगे। जो भी टारगेट मिलेगा या जो भी स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो तो ये इसी कैंडल का हाई है, लेकिन हमारे 3:15 जो भी प्रॉफिट होता है, 3:15 हम लोग पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। ये एक दो कंडीशन हो गई, आपका SL भी हो गया कि समझ लो ये कैंडल है तो इसी कैंडल के हाई का ओपन हाई का आपका SL हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर जो भी स्टॉक ओपन हाई ओपन लो के अंदर आते हैं ना, उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है डेली बेसिस पर। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होते हैं ना के बराबर आपका स्टॉप लॉस होता है, लेकिन आपको इसे डेली बेसिस पर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कोई स्टॉक दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मारुति भी आया हुआ है, तो हम लोगों ने इस स्टॉक पर ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो, इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, जैसे ही लो ब्रेक हुआ हम लोग वेट करेंगे कि हमें अगर ये इतना लेंथ का हमें टारगेट मिलता है तो हम लोग निकालेंगे, नहीं तो हम लोग हमारी पोजीशन को 3:15 तक होल्ड करेंगे। ये देखो, ये कैंडल 3:15 का क्लोजिंग कैंडल है, इसने क्लोज दिया हुआ है 8,702 रुपये का। हमें एंट्री कहाँ पर मिली थी, 8,717 रुपये के आसपास हमको एंट्री मिली थी, मतलब यहाँ पे हमको कोई लॉस नहीं हुआ है। हमारी जो पोजीशन है उसके अंदर हमको कोई लॉस नहीं हुआ है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक कोटक बैंक आया हुआ है, इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे इसने सेल की एंट्री मिली हमको 1,846 पर हमको एंट्री मिली। और ये देखो, यहाँ तक मार्केट नीचे गया हुआ है 36 तक, मतलब इसके अंदर आपको 10 रुपये नीचे गया हुआ है, और इसका जो ओपन हाई था वो 1,857 रुपये का हाई था। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ये हम प्रॉफिट 3:15 हमारा प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे। ये देखो, यहाँ पर क्लोजिंग हमारा हुआ है
1840 का, अभी 1840 का जो क्लोजिंग हुआ है और हम लोगों ने एंट्री ली थी इस कैंडल के लो पर, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ था 1846 पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर एग्जिट की थी, तो यहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है। तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटजी है ना ये बहुत ही अच्छी वर्क करती है अगर आप इसको डेली बेसिस के अंदर, एक डेली बेसिस के अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी से भी स्टार्ट करते हो ना, तो मंथ के एंड तक एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। और अभी समझ लो कि आपने इसको, आपको कोई बैक टेस्ट नहीं करना है, पेपर ट्रेडिंग भी नहीं करना है, आपको इसे सिर्फ सीधा लाइव मार्केट के अंदर अप्लाई करना है। हाँ मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप छोटी क्वांटिटी से करना चाहो तो छोटी क्वांटिटी से करो, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल होता है, आपको प्रॉफिट दिखता है तो उसके बाद आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं ओपन हाई ओपन लो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने रन किया, देखो ओपन लो के अंदर हमको सिर्फ एक ही स्टॉक मिला हुआ है, तो इसको हम लोगों ने क्लिक किया। अभी ये देखो इसके अंदर ओपन लो जो था उसके अंदर UPL हमको मिला हुआ था, ये उसका फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को हम लोग मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से देखो मार्केट ने कितना अच्छा अप ट्रेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखो बहुत, अगर आपने वेट किया होता 3:15 बजे तक तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता था। तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ गया था, मतलब 15-20 रुपये आपको इजीली मिल सकते थे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप एक कम क्वांटिटी से लाइव मार्केटिंग के अंदर इसको आप अप्लाई करना है। और इस सेटअप के अंदर अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताना, और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहे कभी भी तो हमें आप बता सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करते हैं आपको कि किसके अंदर एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, तो उससे क्या होगा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा कि उसको भी आप लोग देख सकते हो, और उसके अंदर भी आप लोग छोटा मोटा प्रॉफिट करना हो तो भी कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।